और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर सियासी उठक पटक लगातार देखने को मिल रही है। और इस सियासी उठक पटक के बीच में खबर है कि कांग्रेस का संकट बढ़ सकता है। जी हां, क्योंकि खबरें हैं सूत्रों से कि कांग्रेस के 7 विधायक किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि कर्नाटक में एक अलग सियासी भूचाल यहां पर देखने को मिल सकता है। पार्टी के साथ साथ विधायक पद से भी ये कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। वहीं खड़गे ने बीजेपी पर सरकार को गिराने की भी साजिश का आरोप लगाया है। और यासिर मुशफाक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। यासिर, जिस तरह की अभी हलचल है, अभी क्या अपडेट वहां पर नजर आ रही है? 7 विधायकों के इस्तीफा, यहां तक कि पार्टी तक से इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, अभी किस तरह की हलचल? बिल्कुल, अगर हम बात करें सियासी हालात की कर्नाटक की, तो हड़कंप मची हुई है कांग्रेस खेमे में। जिस तरह से हम देख रहे थे पिछले 3 दिनों से, जो है 4 से 5 विधायक जो है वो मुंबई में है कांग्रेस के, और उनसे कांग्रेस संपर्क नहीं कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ और विधायक जिनके नाम लगातार सामने आ रहे थे और बीजेपी दावा कर रहे हैं कि वो नाराज़ है कांग्रेस से, वो 3 विधायक जो है आज बेंगलुरु पहुँचे और यहीं इसी गेस्ट हाउस में के सी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की और बाद में मीडिया के सामने आए और कहा कि वो कांग्रेस साथ ही वो पार्टी छोड़। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। दानिश अली कुछ कह रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कोई खतरा नहीं है, हम अगले 48 घंटे में अपने सभी विधायकों को जनता के सामने दिखा देंगे। भाजपा ने अपने विधायकों को ताले में बंद करके रखा है, लेकिन जेडीएस कांग्रेस के सभी विधायक जो है एकजुट है। श्री एचडी कुमारस्वामी की सरकार जो है वो स्टेबल है, मजबूत है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि जेडीएस और कांग्रेस के विधायक जिनके सहारे सरकार चल रही है, जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करना, जरूरत पड़ी तो राज्यपाल के पास ले जाकर आंकड़े गिनाना, इस दोनों में कंफर्टेबल मोड में जेडीएस और कांग्रेस है? जेडीएस और कांग्रेस को ना तो राज्यपाल के पास जाने की जरूरत है ना दिखाने। जेडीएस की सरकार, जेडीएस कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है वो चल रही है, वो मजबूत है।